नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। आज मैं बना रही हूं अंडा मसाला। अंडा प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें संपूर्ण प्रोटीन होता है और अंडा उनमें से एक है। इसके अलावा इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन ए, B12, डी और ई से भी भरपूर होता है। अंडा फोलेट, सेलेनियम और दूसरे कई प्रकार के लवणों से युक्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे ग्राइंड करके प्यूरी बना लेंगे। हम लेंगे 6 अंडे, इसे उबाल कर छील लेंगे और इसमें होल कर लेंगे। एक पैन में तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अंडा फ्राई हो गया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में डालेंगे प्यूरी और इसे तेल अलग होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल अलग हो गया है। इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अंडा मसाला। इसे 2 मिनट तेज आंच पर फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे तेल अलग होने तक फ्राई करेंगे। तेल अलग हो गया है, इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। गरम मसाला, इसे तेज आंच पर तेल अलग होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल अलग हो गया है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे पानी। अब इसे ढक के उबाल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे और इसे ढक के 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए उबाल आ गया है, अंडा मसाला बिल्कुल रेडी है। गैस बंद कर दें। इसे गार्निश करें हरे धनिया से और मजा ले रोटी या चावल के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।